हेलो एंड नमस्कार दोस्तों, मैं अनुराग आपका एक बार फिर से स्वागत करता हूँ साइबर निंजा यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आपने थंबनेल तो चेक कर लिया होगा कि ये वीडियो किस टॉपिक के ऊपर होने वाली है। इस वीडियो में हम बात करेंगे कि अगर आपके पीसी में या लैपटॉप में आपके में ऑडियो या माउस या इंटरनेट कनेक्ट नहीं हो रहा है, ऐसी कोई प्रॉब्लम आ रही है तो उसको आप कैसे फिक्स कर सकते हैं ईजिली। गाइस, ये प्रॉब्लम आती है आपके सिस्टम में ड्राइवर्स ना इंस्टॉल होने की वजह से। अब इस वीडियो में हम ड्राइवर को इंस्टॉल करेंगे कि अपने सिस्टम में ड्राइवर्स को इंस्टॉल करने के लिए सबसे पहले आपको अपने सिस्टम में एक सिस्टम की सीरियल की चाहिए होगी। अब आप कहोगे सीरियल की क्या होती है, जैसे कि एंड्रॉयड में होती है डिवाइस आईडी, जिससे कि कंपनी आपको ट्रैक कर सकती है कि आपके डिवाइस में कौन कौन सी एक्टिविटी हो रही हैं। जो भी आपकी एक्टिविटी हो रही है डिवाइस में, उसको आप डिवाइस आईडी से चेक कर सकते हो। इसी प्रकार से आपके सिस्टम की होती है एक सीरियल की, जिससे कि आइडेंटिफाई करा जा सकता है कि आपके सिस्टम में कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल है, कौन से ड्राइवर इंस्टॉल हैं या कौन से ड्राइवर मिसिंग है। तो इस वीडियो में हम ड्राइवर को डाउनलोड करेंगे और अपने सिस्टम में इंस्टॉल करेंगे और जो भी प्रॉब्लम आ रही होगी उसको फिक्स करेंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, और चैनल पर पहली बार आए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको ऐसे ही कंटेंट देखने को मिले। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले आपको अपने सिस्टम में सीएमडी ओपन कर लेना है। ध्यान रहे, सीएमडी आपका रन एज एडमिनिस्ट्रेटर से ओपन होना चाहिए। अब आपको यहाँ पर कमांड लगानी है WMIC स्पेस BIOS गेट सीरियल नंबर। इससे क्या होगा कि आपके सिस्टम की सीरियल की पता चल जाएगी, क्योंकि आगे हमें काम इसी का यूज़ आने वाला है। तो ये कमांड लगाने के बाद आपको एंटर प्रेस करना है और आपके नीचे सीरियल की आ जाएगी, आपको उसको कॉपी कर लेना है बस। अब आपको अपना फेवरेट ब्राउज़र ओपन कर लेना है और वहाँ पर आपको टाइप करना है, जैसे कि आपका जिस भी ब्रांड का लैपटॉप है उसको पहले आपको टाइप करना है। जैसे मेरा लैपटॉप है HP का, तो मैं HP टाइप करूँगा, उसके आगे ड्राइवर्स, आपका जिस भी कंपनी का है, डेल जो भी है आपका, उसको टाइप करने के बाद आपको सबसे उसके पीछे लिख देना है ड्राइवर्स। जैसे मैं लिख रहा हूँ, सेम कमांड आपकी ब्रांड का नाम चेंज होगा, आपको उसे यही सेम कमांड टाइप करनी है। सेम कीवर्ड को आपको टाइप करना है उस ब्राउज़र में, फिर आपके सामने ये लिस्ट आ जाएगी। इसमें कि देखो, सबसे पहले दिख रहा है HP, क्योंकि मेरे लैपटॉप का ब्रांड है, और आपकी जो भी ब्रांड हो उसकी लिंक आपको ओपन कर लेनी है। फर्स्ट या सेकंड नंबर पे मिल जाएगी आपको, इसको आपको ओपन कर लेना है। अब जैसे इसका URL देख सकते हो, support.hp.com, और इन ड्राइवर्स के अंदर हैं हम। थोड़ा वेट करते हैं, उसके बाद आपको अपने प्रोडक्ट को सिलेक्ट करना है। जैसे कि मेरा लैपटॉप है आपका डेस्कटॉप या जो भी हो उसको आपको सिलेक्ट कर लेना है, तो मैंने लैपटॉप सिलेक्ट कर लिया है। जो भी हमने वहाँ से सीरियल की कॉपी करी थी कमांड प्रॉम्प्ट से, वो उसको आपको यहाँ पर पेस्ट कर देना है लाके बस। और ये सबमिट बटन दिख रहा है आपको, एक्सेप्ट, और सबमिट बटन पर आपको क्लिक कर देना है सिंपली। अभी प्रोसेसिंग में चला गया आपके सिस्टम के ड्राइवर्स को और ऑपरेटिंग सिस्टम को डिटेक्ट कर रहा है ये। वैसे तो ये आपके ऑपरेटिंग सिस्टम को डिटेक्ट कर लेगा, लेकिन कुछ केसेस में अगर नहीं करे तो आपको इसको मैन्युअली बता देना है। जैसे कि इसने देख लिया है कि HP नोटबुक, ये मेरे इसने लैपटॉप डिटेक्ट कर लिया, लेकिन ये मेरा ऑपरेटिंग सिस्टम डिटेक्ट नहीं कर पाया, तो हम इसको ऑपरेटिंग सिस्टम बताएंगे। तो इसमें आपको जाना है आइडेंटिफाई एंड सेलेक्ट OS, इस पर आपको क्लिक करके अपने ऑपरेटिंग सिस्टम को सिलेक्ट कर लेना है। उसके बाद आपको किस बिट का है आपका ऑपरेटिंग सिस्टम, उसको सिलेक्ट कर लेना है, आपको सबमिट कर देना है। अगर ये डिटेक्ट कर लेता है तो आपके केस में कुछ इस तरीके से दिखेगा, जैसे कि विंडो 1064 bit। अगर डिटेक्ट नहीं करता तो आपको सिंपली ऐसे जो भी मैंने बताया उस तरीके से आपको बता देना है। थोड़ा वेट करते हैं। यहाँ से एक आपका जो इसका HP सपोर्ट सॉफ्टवेयर, आप उसको भी डाउनलोड कर सकते हैं, वो आपको टाइम टाइम पर अपडेट देता रहेगा इसके ड्राइवर्स के बारे में। अगर आप चाहो तो उसको यहाँ से ऐसे डाउनलोड कर सकते हो। आपको सिंपली यहाँ पे आ जाना है और इस पर टिक करके स्टार्ट डाउनलोड करके आपको उसको डाउनलोड कर लेना है अगर आप चाहो तो, वरना आपको नीचे आ जाना है और ये ऑल ड्राइवर्स दिख रहा है आपको, इस पर आपको क्लिक कर देना है। वो तो सारी लिस्ट आ गई जो कि सिस्टम में ड्राइवर्स रिक्वायरमेंट होते हैं, वो सारे ड्राइवर्स आपको यहीं मिल जाएंगे।
यहाँ पे उस ड्राइवर की जो लॉन्च डेट है वो दिखा देगा आपको, कितना साइज है उसका और कौन सा वर्जन है उसको, सब कुछ आपको यहाँ दिखा देगा, जैसे कि कीबोर्ड माउस या इनपुट डिवाइस के ड्राइवर्स जो भी आप डाउनलोड करना चाहो, इसको भी आपको डाउनलोड करना है। सिंपली आपको उस पर क्लिक कर देना है बस, तो थोड़ा वेट करेगा, ये थोड़ा वेट करना है आपको ये लोड होने तक। सिंपली आप इसका टाइटल पढ़ सकते हो जो ये ड्राइवर किस बारे में है, ये HP ड्राइवर वायरलेस, ये वाईफाई कनेक्शन के लिए ड्राइवर है, तो उसको कट कर देना है और ये सिंपली यहाँ से डाउनलोड हो जाएगा। जैसे देख सकते हैं आप कॉर्नर में डाउनलोड हो चुका है। सिंपली आपको उसको डबल क्लिक करके, जैसे कि आप नॉर्मल सॉफ्टवेयर डाउनलोड करते हो, इंस्टॉल करते हो, उसी तरीके से आपको इंस्टॉल कर लेना है। उसके बाद आप अपने सिस्टम को रिस्टार्ट करोगे, ये आपके सिस्टम में सक्सेसफुली वर्क करने लगेगा। अगर आपको फिर भी कोई प्रॉब्लम आती है तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।